इस आत्मा राम की कथा में तो पांच हैं गलतियां, कौन कौन सी? एक एकत्व, एक पर को निज रूप मान लेते हैं हम। निज को पर रूप मान लेना भी इसी का एक दूसरा रूप है, लेकिन मुख्य एकत्व माने जो मैं नहीं हूं उसको भी अपने में शामिल कर लेना, है ना, ये इसका नाम है एकत्व। दूसरा ममत्व, ये मैं हूं इस रूप में तो शामिल नहीं करना, लेकिन ये मेरे हैं इस रूप में शामिल कर लेना, माने घर वाला तो नहीं मानना लेकिन रिश्तेदार मान लेना, इस तरकीब से उसे अपनों में शामिल कर लेना। और फिर कर्ता, कर्तापन तीसरी गलती, और चौथी भोक्तापन। ये चार गलतियां तो ये हैं, तो ये चार गलतियों का स्पष्टीकरण होना चाहिए, इनमें कोई गलती नहीं रह जाए, नहीं तो सम्मा दर्शन नहीं होगा। और एक और इन सबसे बड़ी गलती है कि आत्मा पर को जानता है कि नहीं जानता। जैसे हम कहते हैं ना, पर मैं नहीं हूं, पर का मैं स्वामी नहीं हूं, पर का मैं कर्ता नहीं हूं, और पर का मैं भोक्ता नहीं हूं। ये चार वाक्य निश्चय नए के हैं, परम सत्य हैं, है ना। कौन कौन से? मैं पर रूप नहीं हूं, मैं पर का स्वामी नहीं हूं, मैं पर का कर्ता नहीं हूं, और मैं पर का भोक्ता नहीं हूं। अब इसी टोन में हम आगे बढ़ जाते हैं कि मैं पर का ज्ञाता नहीं, वहां थोड़ा मामला पलटना चाहिए था। भजन भाई, इन चारों जैसा नहीं है वहां, यहां इन चार में तो ये गलती है कि मैंने पर में एकत्व किया, कि मैं पर रूप हूं ये गलत है, मैं पर का स्वामी हूं ये गलत है, मैं पर का कर्ता हूं ये गलत है, मैं पर का भोगता हूं ये गलत है। और जहां जहां जिन वाणी में मुझे पर का कर्ता भोगता या स्वामी कहा गया है, वो सब व्यवहार नए का कथन है, वो परमार्थ नहीं है, निश्चय नए की बात नहीं है। अब जब वो मामला जानने में आया तो वहां ऐसे ही कह दिया कि मैं पर को जानता हूं, ये भी ऐसी ही गलती है। कैसी? जैसे मैं पर को में एकत्व की थी ना, पर रूप अपने को माना था, मैं देह को मैं माना था, मैं पंडित हुकुमचंद मैं हूं, ऐसा जो माना था इस पिंड में, जितनी बड़ी ये गलती है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है, इतनी बड़ी गलती ही ये भी है कि मैं पर को जानता हूं, जबकि ये पर मैं तो हूं ही नहीं, पर का मैं स्वामी तो हूं ही नहीं, और लेकिन पर को जानता हूं, समझे। और पर को जानना स्वभाव है, और पर को जानना अकेला व्यवहार नहीं है, पर को जानना निश्चय भी है। जबकि देह में हूं ये किसी दृष्टि से निश्चय नहीं है, माने वो जो गलती है उसमें कुछ फर्क है। सुपर प्रकाशक भगवान आत्मा का स्वभाव है, सर्वज्ञत्व नाम की एक शक्ति है, सबको जानने नाम की एक शक्ति है, तो इससे वो गड़बड़ी हो गई। जब वो गड़बड़ी हो गई और वो हो जा होती है तत्व के गहरे अभ्यासियों में, बेचारे साधारण जनता तो जाने ही नहीं कि क्या बातें कर रहे हैं भाई, समय पेड़ में नहीं आ गए, पागल खाने के कुछ लोग पागल इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ बातें करते रहते हैं, ऐसे ये लोग बातें करते रहते हैं, ये सारे जगत को तो ऐसा लगता है नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो उन 47 शक्तियों में सबसे पहले उनने वो ज्ञान वाले मुद्दे को पकड़ा, नहीं एकत्व ममत्व वाला पकड़ना था, फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला पकड़ना था। देखो समय साल में इसी क्रम से गए ना, जीवाजीवाधिकार में एकत्व ममत्व की चर्चा है,
कर्ता के नाम अधिकार में कर्तृत्व भोक्तृत्व की चर्चा है, ऐसे चलना था ना। लेकिन उन्होंने सबसे पहले जीवत्व शक्ति, चुति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, फिर सर्वज्ञत्व शक्ति, फिर सर्वदर्शित्व शक्ति, फिर स्वच्छत्व शक्ति, फिर प्रकाश शक्ति, फिर परिणाम परिणाम कत्व शक्ति, ये इतनी सारी शक्तियां भगवान आत्मा के ज्ञान स्वभाव को समझाने में लगाई। ज्ञान स्वभाव माने भगवान आत्मा जो जानने का काम करता है, तो किसको जानता है, कैसे जानता है, कितना बोझा पड़ता है उस पर, वो बोझा कम कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले शुरू में लेकर एक ज्ञान स्वभाव संबंधी भूल निकल जाए, जानने संबंधी भूल निकल जाए। जैसे कि आपको क्या मतलब, यदि इसे नहीं करें तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। अरे सबसे मोटी आत्मा का स्वभाव ज्ञान है ना, जानना आत्मा का स्वभाव है। तो जानने के बारे में ही गलती रह गई, तो तूने ज्ञान स्वभाव ही नहीं समझा, तो मूल बात नहीं समझी, तो कैसे काम चलेगा। उन्होंने कई एंगलों से बात की, और मैं अपने पहले के व्याख्यानों में मैं करीब 28 शक्तियों पर प्रवचन कर चुका हूं अनेक बार, और विस्तार से अंत में ये दिल्ली के शिविर में अपन ने 28वीं शक्ति तक सब पढ़ाया था। अब मुझे 29वीं और 30वीं चलानी है, उसकी भूमिका मैं बांध रहा हूं। अब जो कर्ता भोक्ता की वाली बात है ना, अब कर्ता भोक्ता के वाक्य के संबंधी शक्तियां 47 शक्तियों के सबसे अंत में रखें, उत्तम जनी है ना, कर्ता शक्ति, कर्म शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान, अपादान, ये सबसे बाद में रखी। ऐसे ही अस्तित्व वगैरह संबंधी उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति, ये भी बाद में रखी। और जानने के बारे में क्या गलती होती है, सबसे पहले उसमें उन्होंने गहरी मीमांसा की। मुद्दा मूल क्या है कि उन्होंने कहा भगवान आत्मा का स्वभाव जानना है, तो ज्ञान ज्ञान शक्ति में ये बात आ गई कि भगवान आत्मा जानता है। दृष्टि शक्ति में ये आ गई कि भगवान आत्मा देखता है, ज्ञान दर्शन। ये श्रद्धा गुण वाला दर्शन नहीं है, ये दर्शन गुण वाला दर्शन है, जो निराकार होता है, इसकी ज्यादा चर्चा संभव नहीं है, इसलिए ज्ञान के आधार पर ही सारी बात करते हैं कि ज्ञान शक्ति। अब उसने कहा कि आत्मा का स्वभाव जानना है, ज्ञान शक्ति ने क्या बताया, आत्मा का स्वभाव जानना है। तो फटाफट एक नगर में मेरा हाथ खड़ा कर दिया, मेरा एक प्रश्न है, किसको क्या प्रश्न खड़ा कर दिया, किसको? तो उन्होंने कहा सबको। तो उन्होंने दूसरी शक्ति प्रस्तुत कर दी, सर्वज्ञत्व शक्ति, कि सबको जानना ये आत्मा का स्वभाव है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ज्ञान जो 47 शक्तियां हैं, उन सबकी हैसियत बराबरी की है कि कम ज्यादा है कुछ? फिर भगवान आत्मा में रहती हैं तो उनकी हिस्सेदारी कैसी है? मैंने कोई 4% की होगी, कोई 2% की, कोई 10% की, कोई 25% का हिस्सेदार होगा, नहीं? कि सभी 100% है, सभी पूरी है ना, सभी एक सी है ना। तो 47 की 47 शक्तियां सभी निश्चय से हैं, कि कुछ शक्तियां निश्चय से हैं और कुछ शक्तियां व्यवहार से हैं, सभी निश्चय से है ना। तो वो जानता है ये भी निश्चय में है का कथन है, और सबको जानता है ये भी निश्चय में का ही कथन है। यानी हम तो सुना था पर को जानना व्यवहार है, पर स्व को जानना निश्चय, हमने ठीक सुना था,
और तुम तो कह रहे कि नहीं निश्चय है सबको जानना। हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। जब तुम सब में भेद करोगे तो वो व्यवहार हो जाएगा, और सबको अभेद रखोगे तो निश्चय हो जाएगा। तो सर्वज्ञत्व शक्ति में तो अभेद से बात कर रहे हैं, सबको जानना, और तुमने कह दी स्व और पर, तो दो भेद कर दिए ना तुमने, इसलिए वो व्यवहार हो गया। उसमें स्व को जानना निश्चय, पर को जानना व्यवहार हो गया, भेद करने की वजह से हुआ है वो, कि सबको जानता है तो इसने सिर पकड़ लिया। हाय राम, अभी तो हम बहुत निश्चिंत हो गए थे कि हमारे माथे से सारा बोझ उतर गया था कि हमें किसी को नहीं जानना है, बस अकेले अपने को जान लो बस काम हो जाएगा, बस कदम, पर का कुछ करना तो है ही नहीं, समझे ना। तो करने से छुट्टी मिल गई थी और अब जानने से भी छुट्टी मिल गई। हम बहुत निश्चिंत हो गए थे, अब तो पर को जानना तो बहुत कठिन काम है, होता ना। फिर देखो वो लड़का तो बहुत, हम तो नहीं कह सकते, 7 विषयों में एमए कर लिया, लगता धुन सवार हो जाती है। हमारा एक स्टूडेंट है, उसने 7 विषयों में एमए कर लिया, ऐसे कई विषयों में आचार्य कर लिया, परिचय देता हर साल, परिचय देता रहता, हर साल परिचय देता रहता है। तो अब ये तो सारा पढ़ते ही रहना पड़ेगा, सबको जानते ही तो, जब तक सबको नहीं जान लेंगे राजन जी, तब तक फिर हमारे बस की नहीं है। इतने में ही तो चश्मा लग गया, अब तुम फिर कहते और हमसे नहीं पढ़ाया। तो उनने कहा घबराओ मत, भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति है कि जिसमें ये सारी दुनिया जानने में आ जाए, तुझे जानने को कहीं नहीं जाना। बोला अब तो ठीक है, तुझे तो हिलना ही नहीं है, तुझे तो गर्दन भी ऐसी नहीं करनी है पढ़ने के लिए जानने के लिए, तू तो बस ऐसा, अरे आंख तक नहीं खोलनी है, और सारा लोका लोक तेरे ज्ञान में झलके। बोलो ऐसा भगवान आत्मा का स्वच्छ स्वभाव है, और उसका नाम है स्वच्छत्व शक्ति, कि लोक के संपूर्ण पदार्थ उसमें आकर झलकें। इस भगवान आत्मा को कुछ नहीं करना है। अभी तू ऐसा देह देखना ना तो ऐसी गर्दन मोड़ना पड़ती है, लेकिन तुझे सारे लोकालोक को देखने के लिए ऐसी गर्दन भी नहीं मोड़नी है, बोल, इतना भी प्रयत्न नहीं करना है। ये जो सबको जानने से ऐसे घबराहट छूटती है कि बहुत बड़ा मेहनत का काम है, बहुत, क्यों? तो उन्होंने कहा कि स्वच्छत नाम की शक्ति है भैया, सबको जान, सब झलकेंगे तो हमारे आत्मा का क्या होगा, घबरा मत, उसके लिए अलग व्यवस्था है। एक प्रकाश नाम की शक्ति है जिसका काम यही है कि जैसा लोका लोग झलक रहा, ऐसा अपना भगवान आत्मा भी अपने भगवान आत्मा के ज्ञान में झलक। सब स्व और पर के, हाँ, कि एक सुपर प्रकाश कर्त नाम की शक्ति, घबरा मत तुम, बहुत बढ़िया इंतजाम है। जैसे डर लगता है ना कि मैं, मुझे तो जहां जहां मुझे जानना था वहां वहां मुझे जाना पड़ा, हमें हिमालय को देखना था, क्यों, गंगोत्री को देखना है तो गंगोत्री में जाना पड़ेगा ना। तो ये तो सारे लोकालोक में फैले हुए हैं, तो हमें सब्जेक्ट में जाना पड़ेगा ना, कि नहीं कोई जगह जाने की जरूरत नहीं,
यदि ऐसा होता, सब जगह जाने की बात होती तो अलोकाकाश इसके जानने में आता ही नहीं कभी। तो क्यों रमेश, तुम अलोकाकाश में जाते ही नहीं है, जा ही नहीं सकता है। तो जहां जहां जाकर के जानना पड़ता तो अलोकाकाश में जा नहीं सकता है, तो वह जानता कैसे? लेकिन जानता है अलोकाकाश को और जाता नहीं है, इसलिए जाने वाली शर्त नहीं है। तू अपनी जगह रहे तो भाषा ऐसा बोलते ना, सारा लोकालोक तेरे जानने में आ जाएगा। इसको हम ऐसा बोलते हैं कि सारा लोकालोक तेरे ज्ञान में आ जाएगा। कि भैया बहुत मुश्किल है, इतनी भीड़ हो जाएगी, मेरे घर में तो 10 आदमी भी नहीं समाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं तो घर क्लिकल हो जाती है, घंटे एक दो घंटे कैसे हो जाते हैं बोलो, 5-10। और तुम कहते सारा लोकालोक मेरे ज्ञान में इकट्ठा हो जाएगा, हे भगवान हे भगवान। अरे भाई, वो तेरे ज्ञान में जानने में आएगा, कोई एक इंच अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। तेरा ये रूमाल तेरे ज्ञान में आएगा, ये रूमाल यहाँ नहीं घुस जाएगा। यदि रूमाल घुस जाता होता तो फिर क्या क्या दिक्कत हो जाती, कोई तलवार चाकू वो भी घुस जाता, जो भी जानने में आता वो घुस जाता। क्यों? और फिर बहुत गंदे गंदे पदार्थ जो बाहर पड़े हैं, जो अभी जानने में आ जाते हैं, वो सब उधर घुस जाते और उससे आत्मा कितना अपवित्र हो जाता। बिल्कुल भी अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि वो छुएत का तक नहीं, दोनों के बीच में वज्र की दीवार बनी रहेगी। सुमेर पर्वत के अंदर जो वो सोना है, मालूम देवेंद्र, मालूम है तुम्हें कि नहीं? लाखों मन सोना, बिल्कुल शुद्ध 24 कैरेट का सुमेरु पर्वत के अंदर बीच में वहां गड़ा हुआ है। अब वहां खोदना मत, चले जाना। यदि कोई खोद के निकाल सकता होता तो आज तक बचता नहीं। तुम्हारे लिए, खोदने के लिए तो वो किसी ने जाना है कि नहीं बोलो। उस सुमेर पर्वत जैसी वज्र की दीवार जिसके ऊपर है, उस सोने को ज्ञान ने बहुत स्पष्ट जाना है, है ना, प्रत्यक्ष जाना है, प्रत्यक्ष विशदम प्रत्यक्षम, अत्यंत स्पष्ट, उसमें कोई भ्रम नहीं, अंदाजा नहीं है, अनुमान नहीं है। उन्हें केवल ज्ञानी ने सीधा जाना है, हमने आगम से जाना है। जाना सबने, क्या फर्क है जाने जाने में, जानने जानने में क्या फर्क है? आगम भी प्रमाण है, प्रत्यक्ष भी प्रमाण है, 6 प्रमाण है ना, उसमें आगम भी एक प्रमाण है। तो वो प्रमाण है माने सम्यक ज्ञान है, वो हमारा ज्ञान, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण है माने वो बात 100% सच्ची है, झूठी नहीं है। तो ऐसा ही कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान की जगह रहेगा, ये अपनी जगह रहेंगे, दोनों को कुछ भी हिलने की जरूरत नहीं है, पर सारे ये ज्ञान में आ जाएंगे और ज्ञान ज्ञान में ये आ जाएंगे, मतलब ज्ञान ज्ञेयों को जान लेगा, ऐसा ऐसा स्वभाव है। तो और कहते हैं दोनों में रंज मात्र भी पराधीनता नहीं आएगी। क्या जब जान लेगा, अपने हर बात को गुप्त रखना है, कितनी हमारी समस्या है, बहुत बातें हमें गुप्त रखना है। क्यों? अभी गुप्त रहती ही नहीं है। हर एक आदमी कहता भैया तेरे से एक बात कह रहा हूं, किसी से कहना मत, ये किसी से कहना मत के नोट के साथ हजारों बातें एक दूसरे से कही जाती हैं, और वो इसी ऐसी कि वो भी दूसरे से कहता है कि मैं तेरे से बहुत ऐसी बात कह रहा हूं, किसी से कहना मत। क्यों? और फिर वो आगे वाला भी कहेगा
मैं तेरे से कह रहा हूं और किसी से, ऐसे कहते कहते वह लौट के अपने पास आ जाएगी और एक आदमी कहेगा मैं एक बात आपको बता रहा हूं तुम किसी से कहना मत। हमारे यहाँ बहुत बात होती है आपस में कि नहीं नहीं ऐसा मत कहो, फिर ऐसा नहीं कहो, फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सब दुनिया जानेगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अलग की बात खलक में चली जाती। मैंने कहा आपको डर लग रहा है ना, खाई दुनिया जान लेगी, कोई बात नहीं, चलो आगे मैंने प्रवचन में सुना दिया, सबको सुना दिया, अब वो डर खत्म। अब तुम्हें जान लेने का डर था ना उत्तम चंद जी, अब क्या हो गया, क्या अनर्थ हो गया बताओ, बताओ क्या अनर्थ हो गया। इस सबने जान लिया तो उससे जो तुम्हें डर लग रहा था कि क्या अनर्थ हो जाएगा, लेकिन ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो पत्ता ही नहीं हिला, किसी ने एक शब्द ही नहीं बोला, तुम्हें इतना भय लगता था। अरे ज्ञान आत्मा का स्वभाव सबको जानना है और ज्ञेयों का स्वभाव अपने को ज्ञान में जना है, किसी भी ज्ञान में, किसी एक ज्ञान में नहीं। क्यों आप परिभाषा कैसी पढ़ाते हो प्रमेयत्व गुण की, किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य बने, किसी ना किसी नहीं, किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बने, अरे सबके ज्ञान का विषय अवश्य बने, ये स्वभाव है प्रमेयत्व गुण का। कब एक का उत्तम चंद्र जी के ज्ञान का विषय बन गया, अब मेरे ज्ञान का विषय क्या क्यों बनेगा, ऐसा नहीं है। अब प्रमेयत्व गुण का क्या होगा, हर एक द्रव्य में है वो, अब अलोकाकाश में भी है कि नहीं है, धर्म द्रव्य में भी है, अधर्म द्रव्य में भी है, पुद्गल में भी है, कौन प्रमेयत्व गुण। अब पुद्गल तो पुद्गल को जानता नहीं है और जीव पुद्गल को जानेगा नहीं क्योंकि वो पर है, तो पुद्गल तो बिना ही जाना रह जाएगा, आकाश तो बिना ही जाना रह जाएगा, काल द्रव्य तो बिना ही जाना रह जाएगा, बोलो भाई। दूसरा आत्मा तो उसको वो खुद जान लेगा, तो वो तो जानने में आ जाएगा, लेकिन ये बाकी के पांच द्रव्य का क्या होगा, ये आज तक बात हम तक आई कैसे, ये किसी ने जानी नहीं होती। तो बात ऐसी है कि सारे जग ने जानी और ये कहता किसी ने नहीं जानी। अंधा अंधा पेशाब करने बैठे ना तो उसे पता तो है नहीं कहाँ कैसा है, इधर खड़ा है चारों तरफ देखता है, अब इधर दीवार है और इधर जनता बैठी है, अब वो ऐसा अपने मन में ये समझ गए कि जनता को पीट कर दो और दीवार की तरफ करके अब पेशाब कर लू, वो पेशाब करने लगता है, पर वो क्या होता क्या है कि जनता की तरफ मोटर है, सारी जनता देख रही है और वो समझ रहा है कोई नहीं देख रहा। सारा लोका लोग जान रहा है, अनंत सर्वज्ञ जान रहे हैं, हैं? सिद्ध सभा में बैठे अनंत सर्वज्ञ जान रहे कि नहीं जान रहे, अब वो कहता नहीं जान। तो वो ऐसा स्वभाव यानी वो ज्ञान स्वभाव को समझ इसका स्वरूप स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अनेक शक्तियों का प्रयोग किया कि उसके मामले में कोई गड़बड़ नहीं रहना चाहिए। इसमें कितनी खतरनाक बात है कि साहब वो जानते ही नहीं है तो फिर वो जानने का प्रयत्न क्यों करेगा, नहीं? फिर जानने का प्रयत्न ही नहीं करेगा जब जानते ही नहीं है, और फिर तुझे वो निषेध करने की जरूरत क्या है, वो जानता हो तो कह जान मत जान, हमेशा तो कह सकते हैं कि देखो पर के जानने में जीवन खराब मत करो, अपने भगवान आत्मा को जानो, ये तो ठीक है ना अशोक जी। अभी उत्तम चंद जी से पूछा वो कहेंगे ये भी ठीक नहीं है, अब हम अब ये नहीं कह रहे कि जानता नहीं है, जानता तो है, लेकिन पर को मत जानो अपने आत्मा को जानो,
तो वो कहेंगे कि तुमने पर के जानने के स्वभाव का निषेध किया, तुमने इसका विरोध किया, तो तुमने तो आत्मा के स्वभाव का निषेध किया। क्यों? कि पर के जानने से बंद होता है, पर को जानोगे तो बंद होगा और अपने को जानोगे तो मोक्ष होगा। लेकिन शास्त्र में ऐसा लिखा है, समंत भद्र ने अर्थशास्त्री में ऐसा आया है, अज्ञाना चे ध्रुवो बंधो के अनंत अन्न के भी, पर के जानने से भी बंध नहीं होता और नहीं जानने से भी बंध नहीं होता, और पर के जानने से मोक्ष नहीं होता और पर के नहीं जानने से भी मोक्ष नहीं होता। बोलो क्या कह रहे, बंध मोक्ष का कोई संबंध ही नहीं है जानने नहीं जानने से। कहते नहीं, ये तो सब कहते हैं, गुरुदेव जी ने भी कहा। अरे वो उपदेश की भाषा है, उपदेश की भाषा से तत्व का निर्णय नहीं होता। मैं आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, और मैं अभी दिन भर से मेरा माथा खराब हो रहा इसी मामले में। यहां तो हम ये कह रहे कि हम एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य कुछ नहीं कर सकता, ये समझा रहा कि नहीं, सब समझा रहा कि नहीं हमें हर क्लास में, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, पक्की उनक्की बात है ना। और फिर समझा रहे ये करो ये मत करो ये करो, फिर उसी में से कुछ को करने का कुछ नहीं करने का भी कह रहे। अब जनता के हम क्या करें, इन पंडितों से कहो इनको एक कमरे में बंद कर दो सब पंडितों को, और बाहर से चाबी लगा दो और कहे तुम एक मत हो जाओ तब खोलेंगे हम। सोच लो तुम से नहीं हो जाएंगे एक मत। अरे क्या है, सोचो तो तुम अपने मत में, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अभी मैं ये कह रहा हूं कि हमने किरमत बजाय की किताब में सब में पूज्य गुरुदेव श्री के वचनों में भी कि एक एक समय केवल ज्ञान तो सबको जानता, एक एक समय के छयोपशम ज्ञान में एक एक जीव का हसन भाई, किस समय आप किसको जानेंगे ये अनंत काल पहले से नक्की है, और अनादि काल से लेकर अनंत काल तक जितने तीन काल के समय हैं उतनी ही हरेक गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय भी है उतनी, और प्रत्येक ज्ञान गुण की पर्याय वो तीन काल के समय की, किसे समय का कौन गे बनेगा वो अनादि अनंत नक्की है, किसी ने नक्की किया नहीं है, किसी को करना नहीं है। खंजला जी समझ में आया कुछ, उसका क्या मतलब है कि मुझे ये नहीं जानना और ये जानना इसकी बात ही नहीं रह गई, वो तो किसको जानना वो तो नक्की है, हैं? और तुझे उसको ही जानना पड़ेगा, क्या तू जानेगा? ये पड़ेगा वाली भाषा तो हमको बीच में मिसगाइड करती है, ऐसा लगता है कि कोई हम नहीं पढ़ेगा, नहीं तो कोई डंडा मार के कराएगा।